तो भैया अगले हफ्ते का क्या प्लान है? मैं सोच ही रहा हूँ, समझ नहीं आ रहा क्या करूँ। दिमाग में इतना कुछ घूम रहा है जैसे कि आप लोग देख सकते हो। ये कैसा रहेगा? ये सही है। सही है ना? तो इस पे हम बनाएंगे अपनी वीडियो। मेन चीज कितना पैकेट लेना पड़ेगा? जैसे पिछले हफ्ते मैंने 3 किलो कम किया, 85.3 से 82.3 तक आया, ठीक है। अब मैं जा रहा हूँ केलॉग्स के स्पेशल खरीदने के लिए। So, चलते हैं शॉपिंग के लिए। स्पेशल तो इस केस स्पेशल को मैं टेस्ट कर रहा हूँ। हाँ ठीक है ठीक है ठीक है। हाँ मुझे मैं कर लूँ, उसके बाद तुझे खिला लूँ? नहीं। मजा आ गया। अब मैं खा रहा हूँ, इनका टेस्ट बहुत अच्छा है। हाँ मैं रुकना नहीं चाहता। फाइनली अपना मील मैंने खत्म कर दिया। अब मैं जाऊंगा वर्कआउट करने, उसके बाद तो बता दिए 1 हफ्ते तक खाना। वो भी यही है, कुछ खास तो चेंज नहीं है। जो इसमें दूध है, वाह क्या खुशबू है। वो मदर डेयरी का क्यों ना हो, अमूल का क्यों ना हो, माँ का क्यों ना हो, या अपनी नहीं तू समझा नहीं किसका दूध। मॉर्निंग टाइम बेबी, और ये मेरा सेकेंड डे और ब्रेकफास्ट टाइम, और इसे खत्म करने के बाद मैं जाऊंगा वर्कआउट करने। वर्कआउट करने के बाद मैं हो जाऊंगा हीरो। सही बताओ, मैं ना दूध के साथ ऐसे इसे डाल के खाने में मुझे अब ना वो स्वाद नहीं आ रहा, क्योंकि मुझे ऐसा लग रहा है पता नहीं मैं मीठा खा रहा हूँ कुछ। मतलब समझ रहे हो यार, मतलब टेस्ट बड़ की लग गई है यार। मतलब क्या बोलो यार, मतलब काफ़ी इतना ही, मतलब काफ़ी था, इससे ज़्यादा मतलब मैं नहीं निकाल सकता एक दिन में। मैंने सोचा कि कुछ स्पेशल किया जाए तो कुकी बनाते हैं। कुकी बनाने का प्रोसेस, उसमें बहुत कुछ डल रहा था, बट हम बनाएंगे बहुत ईजी, क्योंकि मेरे पास सिर्फ 2 चीज़ें, केलॉग स्पेशल के ओरिजिनल प्लस दूध को डाल के हम बनाएंगे अपना कुकी। तो पहले दूध उबालिए, जैसा आपको दिख रहा है कि ये दूध उबल रहा है। कैमरामैन प्लीज कम फॉरवर्ड, एंड दिस इज दूध उबलता हुआ, नीचे आपको गैस दिख रहा होगा, ठीक है, दूध उबल रहा है। उसके बाद हम लेंगे 1 कप स्पेशल, जैसा आप देख सकते हैं, और इसे डाल देंगे बॉल में। कुकी बन रहा,
हाफ और ले लेते हैं। अब इसको बंद करने के बाद हमें अपने दूध का वेट करना है। गरम 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 गरम, जैसे आप देख सकते हो ये पहला कप गया। डिपेंड करेगा, देख लेना आप लोग कि कितना दूध जाना चाहिए था। अगर आपको थोड़ा क्रिस्पी चाहिए, मुझसे तो ये भी नहीं उठाया जा रहा इतना गर्म है। जैसे आप देख सकते हैं केलॉग्स ने दूध को सोख लिया है। अब ये कुछ ऐसा मिश्रण बन गया जैसे मुझे भी नहीं समझ रहा जैसे क्या है? जैसे हो टकटी है। अब जो करना है हमें लेना है फॉइल पेपर। जरूरी नहीं है आप इसे इवन तरीके से काटे या इंच इंच नाप के काटे, हम ऐसे ही काट देते हैं। तो हम लेंगे जैसे इसका हमने मतलब हाँ ठीक है, इसे उठाया, इसे हम गोल गोल करेंगे, हाथ थोड़ा गंदा करेंगे, कोशिश तो ऐसा है कुछ अच्छा बन जाए। इसको हम रख देंगे साइड में। अब हम इसे उठा के एयर फ्रायर में रखेंगे और 12 मिनट तक इसको हम फ्राई करेंगे। अब मुझे आइडिया नहीं है इसमें टिकेगा नहीं टिकेगा, क्या बनेगा क्या नहीं बनेगा, बट 12 मिनट किसी प्रोफेशनल ने नहीं बताया। 12 मिनट हम प्रोफेशनल अपने तरीके से कर रहे हैं, तो हम 12 मिनट में सेट करते हैं। 12 मिनट, 12 मिनट बाद आके देखते हैं क्या बना है, खाने लायक है नहीं है, फिर से दूध पकाना पड़ेगा अगर खाने लायक ना हो। 2000 years later. So guys, 12 मिनट खत्म हो चुके हैं। अब देखते हैं कैसा है हमारा कुकी। जैसे आप देख सकते हैं तुम लोग को जो करना है करो, इससे ज्यादा टट्टी लग रहा है मुझे, बाथरूम करना है जो मुझे खाना है। उफ फक, ये तो गरम जली ना, तेरी भी जली ना। पहला बाइट समझ नहीं पा रहा है क्या ये, कहीं कहीं से सतत लौंडा हो रहा है, वो कहीं कहीं से दीपक का लाल हो रहा है। समझ रहे समझ रहे समझ रहे हो? इतना ही समझ रहे आप? और ये है मेरा लंच टाइम और मैं इसे खा रहा हूँ और मैं नहाने जा रहा हूँ, इससे ज़्यादा मैं कुछ नहीं कर सकते। डिनर टाइम एज यूजुअल मुझे बिल्कुल पसंद नहीं आ रहा इसे खाते हुए। वेलकम टू डे 4 एंड दिस इज ब्रेकफास्ट टाइम। डे 4 लंच टाइम, मेरा मन उड़ रहा है इससे, उठ चुका है, उठने वाला है, उड़ गया है, उठ चुका है। ज़्यादा नहीं हो गया सांस मतलब कुछ भी पहन। सो गाइस दिस इज डिनर टाइम और एज यूजुअल ऐसी चीज़ें खा खा के कोई भी पक सकता है। दिस इज डे 5 एंड ब्रेकफास्ट टाइम। जैसे मेरा चेहरा देख सकता है कि सूजा हुआ है हद से ज़्यादा, और इस मॉर्निंग के बाद मैं जाऊंगा एक्सरसाइज करने, फिर शाम को लंच और डिनर, फिर मैं सो जाऊंगा। इसको खत्म करने का और अपन को अपनी जिंदगी वापस जीने का, फिलहाल तो नहीं। यस नो, अब बचे मेरे 2 दिन। खुशी देख रहे हैं मेरे चेहरे, 2 दिन, 2 दिन, इससे ज़्यादा खुशी नहीं हो सकती मेरे चेहरे पे। Day 6, it's a morning time, मैं पागल हो चुका हूँ, मैं बहुत पागल हो रहा हूँ, मैं पागल 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 पागल।
डिनर टाइम, आप देख सकते हैं अंधेरा छाया हुआ है इस दुनिया में, अंधेरा है। एकदम इन्होंने वक्त बदल दिया, जज्बात बदल दिए, जिंदगी बदल दी। दिस इज माय फाइनल डे और ये मॉर्निंग का ब्रेकफास्ट, इसके बाद जाऊंगा मैं एक्सरसाइज करूंगा। जी मेरा लास्ट लंच है और इसके बाद एक और रह जाएगा जो रात का डिनर है, उसे खत्म करने के बाद मेरा खत्म। फाइनली ये खत्म हो रहा है, ये चैलेंज ही खत्म हो रहा है, ये मेरा डिनर है, ये खत्म हो जाए बस। और करना क्या है, कल सुबह उठते हैं अपन लोग, उठने के बाद वेट चेक करते हैं, वेट चेक करने के बाद आपको बताते हैं क्या डिफरेंस है। फाइनली मेरा चैलेंज कंप्लीट हो गया, अब चलते हैं अपना वेट चेक करने को। जैसे आप सब लोगों ने देखा है मेरा वेट सेम ही है, 82.3 जैसे वीडियो शुरू हुआ था सेम अभी भी सेम है। तो बस मुझे इस चीज़ का वो है, दुख है कि मैंने एक हफ्ता खाम कई के स्पेशल का मैंने चैलेंज लिया और मुझे जीवन में कुछ प्राप्ति नहीं मिली, मतलब मेरा वेट नहीं कम हुआ। सो गाइस अगर आपको ये कंटेंट अच्छा लगा हो तो शेयर लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलिए, और वो जो साथ में जो घंटा होता है ना उसको भी दबा लेना, उससे मेरा ही घंटा दबेगा। तो मिलते हैं अगली वीडियो और अगले चैलेंज पर।